आपने देखा हमने सुबह का सारा काम मेरा हो चुका है, अब से घर पे बर्तन लगाना बाकी है। जी हाँ, वो छोटे सब देख रहे, वो डिटॉल का साबुन का टुकड़ा है एक्चुअली, और इधर मैंने साफ कर लिया है। मैं बस पोछा लगा। गुड मॉर्निंग, और अभी टाइम हो रहा है 4, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए शेयर नहीं करती हूँ आप लोगों से रेगुलर अपना मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन, क्योंकि मुझे बहुत सुबह उठना पड़ता है और मैं जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें करके इसके बाद ब्रेकफास्ट से शुरुआत करती हूँ मैं ब्लॉग, इसलिए क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि कभी कभी, और अभी फ़िलहाल तो मुझे कपड़े नहीं धोने हैं, इसलिए आज थोड़ा कम है। अभी बस मैं घर का पोछा लगाऊंगी और ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी करूँगी, इसके बाद थोड़ा ऑयलिंग वॉयलिंग करके फिर नहाने जाऊंगी। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी आज मैं ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ। वैसे तो आप जान जाओगे मैं आपके साथ की तैयारी करने वाली हूँ। और सब ये रहा मेरा एक्चुअल मॉर्निंग का जो क्लीनिंग मेरा डेली का होता है वो मैं कर रही हूँ, और अभी मैं पोछा लगाने जाऊँगी। और पोछा के लिए मेरे पास है बट मैं उससे नहीं लगाऊँगी, मैं हाथ से लगाऊँगी, क्योंकि थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाता है इससे। तो चलिए काम करते हैं जल्दी जल्दी। अभी भी सुबह नहीं हुआ है क्योंकि कल रात को बारिश हुआ यहाँ पे। मुझे बाहर बालकनी में पानी भी देना है, और अभी थोड़ा बहुत अंधेरा है तो थोड़ा सा रोशनी आ जाएगा, तो मैं बाहर पानी दूंगी। फिलहाल तो मैं इधर काम कर लेती हूँ। कल रात को थोड़ा शाम के टाइम 5 बजे से बारिश हुई थी, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा बारिश हुआ था, मतलब मौसम बिल्कुल ठंडा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट मॉर्निंग हो रहा है। अच्छा है, 1 वीक से पूरा गर्मी पड़ा हुआ था, सो चलिए जल्दी से कर लेते हैं और आगे का काम और भी बाकी है। मेरा आटा मैं गूंथ रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, 7-8 रोटी बनाऊंगी, और आलू मैंने बॉईल करके रखा हुआ है सब्ज़ी के लिए, वो सब्ज़ी मेरा हो चुका है, बस रोटी बनाना बाकी है जो अभी मैं बनाऊंगी, और थोड़ा ही ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि ब्रेकफास्ट में 5-6 रोटी 7-8 रोटी बनाऊँगी बस इतना ही। सब्ज़ी मैंने बना लिया है, फिर रोटी बनाना बाकी जो मैं बाद में बनाऊँगी। फिलहाल मैं अपने लिए कुछ, और मुझे भी ऑयलिंग करना है क्योंकि 8 घंटा मैं रखती हूँ घर में रहने से, और जब कहीं बाहर जाना होता है तो फिर मैं बाहर जाना होने से मैं रात को लगा लेती हूँ। सो मुझे ऑयलिंग करना है आपको उसके बाद से। अभी मीठा दही बनवाया था मैंने, तो ये रहा मीठा दही, कितना अच्छा से चमके है, कितना स्मूथ जमा है, कुछ पानी नहीं है ऊपर से। और एक इसमें डाला है मैंने, अभी मैं इसको फ्रीज में रख दूँगा। ब्रेकफास्ट जो मैंने बनाया ये आलू दम बनाई थी और रोटी। सो गाइस, आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।